मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? तो नहा धोवा के ऑल सेट हो गया है, ब्रेकफास्ट हो गया, सब कुछ हो गया, सामान पैक हो गया। और आप लोगों को पता है, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया, हम लोग निकल रहे हैं बिहार के लिए। तो अभी निकलेंगे और हमारा आज का नाइट का स्टे होगा लखनऊ में। तो ऑल सेट है, अब बस गाड़ी में सामान रखना है और निकल जाना है। और इनको देखिए, ये क्या कर रहे हैं, देखिए इनको। अब हम लोग रेडी हो गए हैं पैक करके, अब निकलना है बस। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और रास्ते में आप लोग को अपडेट करेंगे। गाड़ी का मीटर और अब हम लोग चल दिए हैं, तो देखते हैं कि कितना किलोमीटर में ये, मैं फुल टैंक तेल लिया है मैंने, तो कितने दूर जाते हैं, तो इससे एवरेज पता चल जाएगा गाड़ी का, तो देखेंगे। और गाइस, अब पता नहीं दिल्ली में कितना ट्रैफिक होगा, तो अभी निकले हैं तो पता नहीं, मेरे को लगता है कि 2 घंटा यहीं लग जाएगा। उसके बाद हम लोग हाईवे पकड़ेंगे, तो अभी देखिए क्या होता है रास्ते में। दो दो तिरंगा है ना यहाँ पे, एक यहाँ। तो देखो, अब हम लोग चढ़ेंगे यहाँ से, पहुँचेंगे नोएडा। नोएडा पहुँच के फिर नोएडा से ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा से आगरा एक्सप्रेस वे लेंगे हम लोग। तो कितने देर में पहुँचते हैं आगरा एक्सप्रेस वे तक देखते हैं। अभी तो बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि आज ट्रैफिक पता नहीं क्यों है। तो अभी पहुँचते हैं आगरा एक्सप्रेस वे पर, फिर बात करें। बाबू सो गया? अच्छा, अब चढ़ गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर और अब यहाँ से तो कोई ये नहीं है, दिक्कत नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं। और जस्ट अभी हम चले और अब आएगा हमारा जो पहला टोल, देखते हैं कब आएगा। तो अब इससे हम एक्सप्रेस वे पे सीधे यहाँ से जाएंगे आगरा और फिर आगरा से पकड़ेंगे हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो अभी देखिए रोड पे कितने लोग इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ियों का, सब खड़े हैं, कोई गाड़ी मिल जाए ऐसे। इतना मस्त रोड है अब हम लोग, बाबू को नींद आ गया है इसी में सो रहा है वो। और सब लोग गाड़ी से ही जा रहे हैं, ज़्यादा लोग तो गाड़ी से ही जाते हैं अब, क्योंकि ट्रैफिक क्या बोलते हैं, ट्रेन में कोरोना आ रही है, वो से बचने के लिए कौन जाए ट्रेन में, तो सब गाड़ी से ही जाते हैं। और हम लोग, मेरे को तो याद ही नहीं है कि लास्ट में कब इससे गया था, क्या बोलते हैं, ट्रेन से लास्ट, मतलब बहुत पहले 4 साल हो गए होंगे। और अब आएगा हमारा फर्स्ट टोल प्लाजा, तो वहाँ पर पैसे कटेंगे और फिर पैसे कटेंगे उसके बाद हम इस पर आते हैं। सर दो या तीन टोल प्लाजा आते हैं, तीन बड़ा वाला टोल प्लाजा आता है और एक छोटा वाला जो आगरा का जो है वो वाला। 100 की स्पीड लिमिट है इस पर दिखाता है और हम 100 पे ही चल रहे हैं, एकदम स्पीड लिमिट कोई चेंज नहीं। लगे देखो पीछे भैया आ रहे हैं कितनी तेज, वाह उड़ा के निकल गए, तो 100 से ज़्यादा है स्पीड ही। देखो अब टोल प्लाजा आएगा तो फिर रुकेंगे थोड़ी देर वहाँ पे और उसके बाद क्या करेंगे, कुछ खाएंगे देखेंगे, नहीं तो थोड़ा मतलब रेस्ट करेंगे। और देखो गाड़ी का माइलेज ही बढ़ गया है, गाड़ी का माइलेज हो गया है, मतलब कि पहले दिखा रहा था 430 किलोमीटर फुल टैंक, अब दिखा रहा है 478, ये भी चेंज हो गया है मेरे गाड़ी का माइलेज। अब चेंज हो गया, दिखा रहा है 492 किलोमीटर और जितना भी तेल है उतने में, मतलब वो फुल टैंक ही दिखा रहा है अभी तो। तो जैसे ट्रैफिक कम हुआ, रास्ता खाली मिला, ये इसका माइलेज बढ़ गया। इस गाड़ी का वैसे ही माइलेज अच्छा है, मतलब 40 लीटर में अगर 492 है तो 492 किलोमीटर दिखा रहा है तो बहुत हुआ, मतलब माइलेज तो अच्छा ही है। 18 कितना हो जाएगा ये माइलेज, 400, मतलब 12-13 का माइलेज निकल के आएगा। तो अब बस 2 किलोमीटर रह गया है फर्स्ट टोल प्लाजा, तो अभी वहाँ पे फर्स्ट टोल कटाएंगे और टोल कटा के और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैंने तो सुबह ही कर दिया था रिचार्ज अपना,
फास्टैग। तो गाइज अब टोल पे देखते हैं फास्टैग काम करेगा यहाँ पे, तो करता है वैसे, पहले नहीं करता था लेकिन अब करता है, तो देखते हैं क्या है। हो सकता वही लोग आपको ये नहीं पता, बार बार चेंज करते रहते हैं ना बार बार, ये लोग कभी कैश लेते हैं कभी टोल, ये फास्टैग से कर लेते हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, तो अगर फास्टैग से कटता है तो आपको अपडेट करेंगे। आ गया टोल प्लाजा। फास्टैग है और फास्टैग काम करना चाहिए, बस देखते हैं क्या कट जाए कट जाए। पहुंचने दो एक बार कटे। क्या लगा रखा है यार, कटेगा अब इस बार तो कट जाना चाहिए, फास्टैग काम करेगा यहाँ। फास्टैग से पैसा कट गया फर्स्ट टोल प्लाजा पे, और अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। फर्स्ट टोल प्लाजा हमने पार कर लिया, अब दूसरा आएगा टोल प्लाजा आगे। यहाँ पे टोटल तीन टोल प्लाजा आते हैं और एक आगे उसके छोटा सा आएगा। गाइज मैंने अभी अपना ओडोमीटर रीसेट किया है और मेरा ओडोमीटर दिखा रहा है 505 किलोमीटर अभी जितना भी तेल होगा। ये मैंने सेट किया फर्स्ट टोल प्लाजा ये ताज एक्सप्रेसवे पे, और अब माइलेज देखो 19.3 का, तो इको स्पोर्ट की माइलेज जितनी है हाईवे पे। अभी देखेंगे फाइनल कितना आएगा, जब पहुँचेंगे घर पर तो आपको दिखाऊँगा मैं वो भी कि फाइनल एवरेज मेरे गाड़ी का कितना आता आया इस ट्रिप में और कितना किलोमीटर हमने कवर किया, तो ये भी आपको मैं दिखाऊंगा जब एक बार मैं घर पहुंचता तब। गाइस मेरे ओडोमीटर का माइलेज अगर मैं गाड़ी कंसंट्रेट करके चलाता हूं तो क्या दिखा रहा है कि ये अभी जितना तेल है, मतलब टैंक में फुल टैंक तेल है अभी भी दिखा रहा है, मतलब जबकि होगा 40 लीटर के आसपास ही, तो दिखा रहा है कि 800 किलोमीटर चलेगा, और एवरेज देख लो आप लोग। आने वाला है मेरा सेकंड टोल प्लाजा, तो यहाँ पे अभी हम बस थोड़ा रुकेंगे रेस्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टोल से सेकंड टोल प्लाजा के बीच में डिस्टेंस है 52 किलोमीटर और हम जस्ट अब पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ पे रेस्ट रूम है वैसे, तो देखते हैं क्या है। और यहीं पे रुकेंगे हम लोग मोस्टली, थोड़ा एक ब्रेक लेंगे शॉर्ट ब्रेक। और देखो 1 किलोमीटर दिखा रहा है टोल प्लाजा, तो अभी यहाँ भी टोल पे करते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। वहाँ जुआ के बीमल जुआ के श्री का अड्डे यहाँ भी है। अब सेकंड टोल पे करेंगे और आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ये पता नहीं है भैया बहुत तेज़ी में है इनको, तो अब सेकेंड टोल पे करेंगे और आगे बढ़ेंगे सेकेंड टोल पे, पता नहीं क्या है देखते हैं। अभी फास्टैग तो है ही, वाह हमारा सेकेंड टोल कट गया, अब आगे बढ़ रहे हैं हम। वाह वाह वाह, सेकेंड टोल भी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और अब यहाँ 53 किलोमीटर दिखा रहा है, यहाँ से अब कितना आगे है थर्ड टोल देखना होगा। मीनवाइल हम लोग देखते हैं, क्या शॉर्ट ब्रेक लेंगे यहाँ पे, रोकेंगे गाड़ी अपनी, रेस्ट करेंगे थोड़ा फिर निकलेंगे। देख अरे क्या कर रहे हो यहाँ पे टोल प्लाजा क्रॉस करके, यहाँ पे क्या कर रहे हो बाबू, घूम रहे हैं? मम्मी कहाँ चली गई? तो हम लोग घूमते हैं यहीं पे, मम्मी के आने के पहले ना हम लोग घूमते हैं, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे अब टोल प्लाजा पे हम लोग रुके हुए हैं, और बाबू को देखो अब हम लोग सेकेंड टोल भी क्रॉस कर चुके थे, अब आएगा हमारे पास लाइक थर्ड टोल। थर्ड टोल के बाद हम पकड़ेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, तो
अभी देखो अभी 100 किलोमीटर हमने आफ्टर फर्स्ट टोल क्रॉस किया, तो मैंने दिखा दिया। और अब देखिए ये क्या है, हमेशा गाड़ी क्या पता नहीं, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग जूम करके। तो ये प्रिकॉशन लिखा हुआ है कि क्या करना है इस पे ड्राइव करने के लिए। तो गाड़ी और इस रोड पे गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ से लखनऊ तक तो पता ही नहीं चलेगा, फिर लखनऊ से आगे हमें थोड़ा सा दिक्कत हो, मतलब पता नहीं, रोड अच्छा है बट वहाँ पे ट्रैफिक रहता है क्योंकि गांव आते हैं तो लोग कैसे भी ड्राइव करते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत होगी लखनऊ के बाद। बट ठीक है, देखते हैं वहाँ पे। इसलिए हम लोगों ने ब्रेक जर्नी किया है, रास्ते में एक जगह रुकना है हमें। तो ये देखो कितनी ग्रीनरी है इस एरिया में। तो अभी थर्ड टोल आने वाला है तो वेट करते हैं उसका, फिर आपसे बात करेंगे। तो गाइज अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ और बाबू और एक पीछे बैठे हुए हैं। तो देखो कितना टाइम और लगता है लखनऊ पहुँचने में। अभी थर्ड टोल आने वाला है, थर्ड टोल आएगा। अभी हमें खाना भी खाना है, अभी हमने खाना नहीं खाया है, तो खाना खाएंगे फिर कहीं देखते हैं जहाँ ब्रेक लेंगे। अभी रास्ते में एक जगह तो रुके थे बट वहाँ खाए नहीं हम लोग, तो अभी रास्ते में जहाँ रुकेंगे वहाँ खाएंगे और फिर निकलेंगे। तो गाइस अब आया थर्ड टोल, डिस्टेंस देख लो 108 किलोमीटर पे, मतलब 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर ऐसा है ये टोल का डिस्टेंस। मेरे को लगता है एक टोल से दूसरे टोल के बीच का गैप। और अब यहाँ भी फास्ट टैग से हम पे करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो भैया मेरा रीड कर लें, भैया मेरा भी रीड कर लो भैया, रीड कर लो। वाह गेट खुल गया और आगे बढ़ो। यहाँ रुके नहीं रुके, ठीक है तो यहाँ भी नहीं रुकेंगे हम लोग। अब हम लोग खाएंगे लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ही खाना, चाहे जो भी खाना होगा, क्योंकि भूख तो अभी है नहीं, तो बस अब वहीं जाके खाएंगे हम लोग। देख लो अब मैं, ये 2:30 हो रहे हैं और मैं पहुँच गया हूँ आगरा। आप ये बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे ताजमहल का ये दिखा रहा है। और यहाँ से मुझे रोड चेंज करना है, मुझे चढ़ना है लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। और आप ये मेरा ऑडोमीटर का भी रीडिंग देख लो। तो गाइस इतनी जल्दी, मतलब मैं 12 बजे के आसपास था टोल पे, मतलब जब इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ा था, और 2:30 बजे मैं यहाँ आगरा पहुँच गया हूँ। और इसके बाद अब लखनऊ पहुँचेंगे तो भी आपको दिखाएँगे क्या ड्राइव है इस रोड का, मतलब मस्त मज़ा आ जाता है एकदम ऐसा ड्राइव करने में। और अभी हम चलेंगे लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, तब तक यह देखो आगरा शहर का नज़ारा इधर। और ये देखो पब्लिक खड़ी है रोड पे, पता नहीं क्यों। तो मेरे को तो जाना है लखनऊ, ये देखो ये लोग गाड़ी के लिए खड़े हैं। तो अभी चलेंगे, छोटा सा टोल आता है आपको लखनऊ एक्सप्रेस पे चढ़ने के पहले, जो यहाँ से अभी ये 1 किलोमीटर है, तो अभी उस पर चढ़ेंगे। और इस रोड पे लाइटिंग बहुत अच्छी है, रात को जब आप गुजरते हैं तो यहाँ लाइटिंग मतलब मस्त दिखती है। देखो टोल दिखाई दे रहा है, अगर आप जूम करेंगे तो मैं अभी पहुँच के आपको दिखाऊँगा। तो वहाँ पहुँचता हूँ, टोल पर इतना भीड़ है, मतलब पता नहीं क्यों, सब फेस्टिवल के लिए सब लोग घर ही जा रहे होंगे मोस्टली, इसलिए से बहुत ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। पता नहीं कितने देर में टोल पार करूँगा। इस टोल के बाद ही आता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो अभी टोल पे करके निकलते हैं यहाँ से। टोल के बाद जो छोटा सा टोल आता है, यहाँ भी कितना शॉप है पता नहीं। और गाइज इस टोल पे भी फास्टैग था, मतलब यहाँ भी फास्टैग की व्यवस्था है। अब हमें चढ़ना है अपना लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। लो जी अब आ गया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, अब हम लोग उस पर चढ़ेंगे। सामने देख लो आप लोग बोर्ड लगा हुआ है और हम लोग उसी पे अब जा रहे हैं, उसी पे चलेंगे अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। और तो हम लोग
पकड़ा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए, और ये जो गाड़ी वाले हैं इनको पता ही नहीं कि कैसे गाड़ी चलाते हैं। बीच सड़क पे जो कि कट है उस पे ये लोग टर्न मार के गाड़ी चला रहे हैं, तो पता नहीं कैसे एक्सीडेंट होने का चांस इतना है फिर भी लोग ऐसे करते हैं। तो गाइज हम लोग हैं अभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, अब पहुँचेंगे हम लोग इसी रास्ते लखनऊ सीधे। अभी यहाँ भी टोल आएगा फर्स्ट टोल, तो उसके बाद इस देखो फर्स्ट टाइम मैं जब से लखनऊ एक्सप्रेस खुला है मैं हमेशा जाता आता रहता हूँ, बट टोल पे इतनी लंबी लाइन है हर मतलब ये में भरी हुई है पता नहीं क्यों। लखनऊ एक्सप्रेस वे पे हम लोग कुछ 100 किलोमीटर तो अभी ड्राइव कर चुके हैं, सैफई आने वाला है तो देखेंगे, भूख तो लग रही है, कुछ खाएंगे तो रुकेंगे अगर तो मतलब कुछ खाएंगे यहाँ पे, देखते हैं क्या मिलता है। तो बस यही एक है कि कहीं मिल जाए कुछ ब्रेक लेने का टाइम, तो देखते हैं। अब सैफई पहुँचने वाले हैं हम, ए वाला फूड प्लाजा पे हम अभी स्टॉप करेंगे अपनी गाड़ी, ये जो सामने आपको दिख रहा होगा, तो इसी फूड प्लाजा पे कुछ खाएंगे अभी और देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे, जो मिले खाएंगे यहाँ पे और फिर यहाँ से निकलेंगे तो थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। क्या गाड़ियाँ लगी हुई हैं यार, इतना ट्रैफिक, अगर बहुत भीड़ होगा तो नहीं रुकेंगे, पे हम लोग खड़े हैं बाबू और मैं। क्या कर रहे हो? फूड कोर्ट पे देखते हैं क्या मिलेगा, तो कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, आइसक्रीम खा लेते हैं। खाओ बाबू, आइसक्रीम खाएगा बाबू। लखनऊ एक्सप्रेस वे पे कितना अच्छा फूल लगा हुआ है ये देखो, ऐसे डेकोरेशन करने के लिए तो बहुत अच्छा है, और ये सड़क पे मतलब अब जाके ये खिलाए ये फूल, पहले तो ये सब था ही नहीं। अब देखो हम लोग अभी हम लोग मात्र 267 किलोमीटर चले हैं, जो कि आगरा फर्स्ट टोल के बाद मतलब आगरा एक्सप्रेस वे जो है उस पर फर्स्ट टोल के बाद हम लोग 267 किलोमीटर चले हैं, और अभी हम लोग लखनऊ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तो हमें कहीं रुकना नहीं है, सीधे लखनऊ जाके ही रुकेंगे, फिर वहाँ पे करेंगे आज नाइट स्टे और तब कल निकलेंगे। तो अभी पहुँचते हैं लखनऊ शहर में, अगर ट्रैफिक नहीं मिला तब तो अच्छा रहेगा, अगर मिला तो फिर तो दिक्कत होगी हमें। तो गाइस अब हम लोग पहुँच चुके हैं लखनऊ टोल पर, और यहाँ पे अभी टोल कटाएंगे मतलब, और यहाँ से एग्जिट कर देंगे लखनऊ सिटी में एंट्री के लिए। तो यहाँ से हमारा और आधे घंटे का ड्राइव होगा जब हमारे होटल तक होगा, और होटल पहुँचते हैं फिर आप लोगों को अपडेट देते हैं कि क्या है। और भैया यहाँ पे पता नहीं वो फाइनल कट ही होता है, फर्स्ट टैग का फाइनल वहाँ पे एंट्री होती है, यहाँ पे एग्जिट होता है। भैया पैसा काटो और हमें जाने दो जल्दी से, काटो भैया काटो काटो भैया, काट दिए। टाइम 6:40 में हम पहुँच गए हैं लखनऊ टोल पे, अभी टोल के बाद आगे पहुंचेंगे हम लोग अपने होटल और फिर वहां चेक इन करेंगे, फिर आपको अपडेट करते हैं। और ये देखो कितनी ट्रक्स खड़े हैं, सब ट्रक पता नहीं यार, इस रोड पे तो अभी बहुत ट्रैफिक हो गया है, पहले तो कोई ट्रैफिक होता नहीं था लेकिन अब बहुत ट्रैफिक हो गया है। तो आप चलिए होटल पर मिलते हैं आपसे, आपको रूम टूर कराते हैं, हमने रूम चेक इन कर लिया है। तो ये है हमारा रूम, अब इसमें क्या दिया है उन्होंने, ये क्या फैन वॉक कर, टीवी एक छोटा सा दे दिया, और दिखाते हैं आपको एसी दिया, और बाहर का पता नहीं कोई व्यू नहीं है, ठीक है फिर बाहर तो कोई व्यू नहीं है,
और एक ये चीज़ है पता नहीं क्या है, ऐसी का रिमोट है, एक अलमीरा दिया है, एक कपबोर्ड है, और ये है बाथरूम। तो बस यही हम लोग पहुंच गए लखनऊ और होटल में चेक इन भी कर लिया है। तो होटल में चेक इन करने के बाद अब फ्रेश होंगे और खाना खाएंगे, तो बहुत थक गए हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।